हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेजोन से मंगाया मेरा ये बोया M1 माइक। तो मैंने ये माइक अमेजोन से मंगाया था और उसके साथ साथ मैंने कुछ और सामान भी मंगाया था। तो देख सकते हैं पैकेजिंग किस टाइप से दी है इन्होंने, बहुत ही बेकार। और इस जिस टाइप से इन्होंने मुझे भेजा है, डिलीवर किया है, उस टाइप से ये डैमेज हो सकता था गाइस। तो देख सकते हैं इन्होंने माइक को किसी भी आउटर बॉक्स में नहीं डाला, ओनली इसी टाइप से भेज दिया मुझे। तो इससे ये डैमेज हो सकता था, बट लकीली ऐसा नहीं हुआ और मुझे ये सेफली रिसीव हो गया। तो गाइज़, मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी आपसे, किस टाइप का है, किस टाइप से इसको असेंबल करना है, और इसका प्राइस भी मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो गाइज़, देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया अनबॉक्सिंग और इस टाइप से रिसीव हुआ। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी वन बाय वन। ये है इसकी वारंटी कार्ड। तो गाइज़, ये है बोया का स्टिकर और ये मिला है इसका लोगो, तो इसका मतलब कि ओरिजिनल है। और ये है मैनुअल। तो गाइज़, ये टोटल इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, देख सकते हैं आप। और ये इसमें एक छोटी सी बैटरी मिल जाती है और एयर फिल्टर। बाकी गाइज, मैं आपको ये वन बाय वन असेंबल करके दिखाऊंगी। तो करते हैं इसको ओपन और दिखाती हूँ मैं आपको इसको असेंबल कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये है इसका एयर फिल्टर। तो यहाँ पे एक छोटा सा माइक है, इसको ऐसे असेंबल करना होता है बहुत सेफली, वरना ये टूट सकता है। और गाइज, इसमें है हुक, तो मैं हुक को खोल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ इसको किस टाइप से असेंबल करना है। और ये है मेटल का और ये इस टाइप से लगाना होता है, अभी दिखाऊँ। तो गाइज, देख सकते हैं ये माइक और इसमें ये लगाते हैं एयर फिल्टर। और थोड़ा आपको सेफली करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। तो गाइस, सेफली इसको असेंबल करिएगा। ये बार बार गिर जा रहा है, देख सकते हैं एयर फिल्टर गिर जा रहा है। और ये है क्लिप पिन दी गई है हैंग करने के लिए। तो इसको मैं दिखाती हूँ कैसे आपको माइक में असेंबल करना है। और ये दो इस टाइप का जो दिखा रखा है, इसको हम माइक में डालेंगे और टक की आवाज़ आएगी तो ये लॉक हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये इस टाइप की यहाँ पे चुड़ी दी गई है, रिंग दी गई है, उसमें इसको फंसाना है इस टाइप से जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये गाइस, ये लॉक हो गया और इसको आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। अब जाते हैं गाइस इसके मेन पार्ट में। और ये देख सकते हैं यहाँ भी आपको हैंग करने के लिए एक हुक दिया गया है। और ये है गाइस मेटल का, तो इसमें आपको इस टाइप से इसको ओपन करना है और इसमें ये एक सेल दिया गया है और सेल डालना है। लेकिन गाइस, उससे पहले कोई काम करना है, इसमें रिबन होती है उसको ऊपर खींच लेना है। तो गाइस, इसमें है सेल और सेल गाइस जो दिया गया है 42A बैटरी उसमें लिखा गया है, तो इस टाइप से है। और मैं आपको पास दिखाऊंगी, लेकिन इसको डालना है। और ये रिबन से, रिबन का काम ये है गाइस, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी सेल को निकालो तो आप रिबन को खींचोगे तो आसानी से सेल आ जाएगा। और ये पूरी मेटल का है, ये अंदर का ये है प्लास्टिक का गाइस। तो इस टाइप से इसको लॉक कर देना है। और अब ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है गाइज ऑन ऑफ, अगर आपको कैमरे में यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑप्शन है, और अगर आपको स्मार्टफोन में यूज़ करना है तो वो भी सेकंड ऑप्शन है। और ऑफ और स्मार्टफोन उसी, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो ऑफ पे रख सकते हैं गाइज आप। तो आपको मैं ये रिबन दिखाती हूँ और ये इस टाइप का है। यहाँ से आप इसको रिबन पे देखो खींचोगे तो सेल आसानी से बाहर आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है और ये डैमेज हो सकता है गाइज। तो इसलिए रिबन का ही मेन काम है यहाँ पे। तो ये हो गया असेंबल, अब इसको हम